कल की शाम पूरे देशवासियों के लिए एक मायूस शाम थी क्योंकि देश ने एक ऐसे वीर योद्धा को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत का बुधवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था वह देश के पहले सीडीएस थे बतौर सीडीएस उन्होंने पंद्रह नवम्बर दो को नागपुर में मुख्यालय अनुसरण कमान भारतीय वायुसेना का दौरा किया था इसके पहले वे पांच जनवरी दो में सेना प्रमुख के तौर पर शहर के भूसवा मिलिट्री स्कूल द्वारा आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे किसी ने सोचा तक नहीं था कि मात्र 24 दिन पहले नागपुर पहुंचे विपिन रावत का यह आखिरी और अंतिम दौरा होगा उनकी दुर्घटना की मौत की खबर से सेना के अधिकारियों सहित से राजनीतिक शैक्षणिक सामाजिक क्षेत्र के लोगों को गहरा आघात पहुंचा है प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पता चला है कि हाल ही में दुनिया को अलविदा कह चुके सेना प्रमुख और सीडीएस विपिन रावत का ओजस्वी व्यक्तित्व का साक्षी नागपुर शहर बना था 15 नवंबर को सीडीएस जनरल विपिन रावत नागपुर में मुख्यालय अनुरक्षण कमान भारतीय वायुसेना का दौरा किया था एयर मार्शल शशिकांत चौधरी एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने उनका स्वागत किया था इस दौरान विपिन रावत को भारतीय वायुसेना के पास विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के रखरखाव में कमान की भूमिका के संबंध में जानकारी दी गई थी